नमस्कार श्रीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ज्योतिजा सर, कैसे हैं आप सब? तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, क्लास 9 का तो चैप्टर कंटिन्यू था फंडामेंटल नीड ऑफ लाइफ में लास्ट टॉपिक सेल ऑर्गन्स। और सेल ऑर्गन्स का हमने एक ऑर्गन्स कंप्लीट किया जो था वैक्यूल। अब उसके आगे का नेक्स्ट जो सेल ऑर्गन्स है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपसे एक सवाल था कि जो मैंने कल लास्ट में आपको बताया कि अगर मेमोरीज में अगर आपको करना है तो क्या आपने उसको इस्तेमाल किया? वो वीडियो में जो मैंने लास्ट में आपको टिप दी थी वो इस्तेमाल करके, यानी कि उसको ट्राई करके, हैबिट मिला करके उसको बताइए कि कितना यूजफुल था आपको। तो आज से स्टार्ट करते हैं आपकी आज की वीडियो। आज का आपका टॉपिक है जो सेकेंड सेल ऑर्गन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप पढ़ चुके होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े हैं। और ये शुरू से जब से साइंस आपने स्टार्टिंग की होगी तब से नाम आया है, लेकिन बहुत ही आपके छोटे पैमाने पे आपने सीखा होगा, समझा होगा इसको। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लासेस अब हाई स्कूल में आप हैं या 9th में हैं तब भी छोटा सा है, बहुत छोटा भी एज ए कम्पेयर अदर क्लासेस, यानी कि 10th 11th 12th। आपकी जैसे जैसे क्लासेस में बढ़ते जाएंगे वैसे ये टॉपिक क्या होता जाता है, एक्सप्लोर होता जाता है, उसके बारे में हमें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो फिलहाल हमारा क्लास 9th है, क्योंकि यानी कि आपका जो है उसको हम समझते हैं। आपका है सेल ऑर्गन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका जो सेल देख रहे होंगे, यहाँ पे एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ऐसे ही कॉपी में आप अच्छे से सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि साइंस में जो बायो पोर्शन है बेटा उसमें अगर डायग्राम आपका बना है तो साइंस आपकी परफेक्ट है, यानी कि आंसर आपका एकदम कंप्लीट है। इसमें ये आपका अगर डायग्राम अच्छा है तो उसमें देख करके नंबर मिल जाते हैं, याद रखिएगा। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स ये भी है, जैसे कि हमने कल वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था कि वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स होने की वजह से इसका भी शेप है, इसका भी क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि आपका वैक्यूल्स का था वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स था तो उसका भी शेप डेफिनेट था, यानी कि जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें उसका डेफिनेट स्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसे ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी मिलेगा, ठीक है। लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स, ये आपके लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, ये देखो ट्यूब्स देख रहे हैं, ये शीट्स हैं, ठीक है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काफी जाल नुमा है, जालिका इसे बोलते हैं, आपका जालिका के रूप में भी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका, रेटिकुलम नाम है ना इसका, अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक अंतर्द्रव्यी और इंग्लिश इसको रेटिकुलम को जालिका। इसलिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो जालनुमा होता है, कह सकते हो काफी कॉम्प्लेक्स है, उसमें शीट्स हैं वो काफी एक दूसरे से कनेक्टेड है तो जाल बन जाती है, इसलिए इसको रेटिकुलम यानी कि जालिका बोला गया है, ठीक। आते हैं अग्रस, और ये जो आपका ट्यूब्स एंड शीट्स बताया गया है ये आपका, ये इन्हीं से यहाँ पे रिलेटेड है। कैसे? कि लॉन्ग ट्यूब्स हैं, इसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। लॉन्ग ट्यूब्स हैं, वेसिकल्स हैं एंड सिस्टर्नी है। अभी हम देखते हैं ये तीनों कहाँ हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे ट्यूब्स, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्यूब्स। ये आपका साइड में बना हुआ है ट्यूब्स, इसको ट्यूब्स बोलते हैं, लॉन्ग है और ट्यूब फॉर्म में है इसके, इसलिए ट्यूब्स बोलते हैं। सेकंड आपका है वेसिकल, वेसिकल मतलब एक बैग। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक गोला ट्राई किया जिसे हम बैग बोल सकते हैं, अगर इसको मैंने पुल किया तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि बैग बन जाएगा, ओके। तो ये बैग के फॉर्म में भी होता है, यहाँ पे हम नहीं शो कर पा रहे क्योंकि डायग्राम अंदर की तरफ होता है ये इसके लिए, ठीक है। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी कहाँ है? ये आप पोर्शन जो देख रहे हो शीट हमारी जो दिख रहा है आपको ब्रेड जैम में, यही है सिस्टर्नी है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा है। तो ये जो आपको ये शीट दिख रही है, ये दिख रही है आपको ये सब, ये क्या है? सिस्टर्नी है, ठीक है। इसमें एक फ्रूट भरा होता है और ये देखिए इसमें फ्रूट भी मैंने भर दिया है रेड कलर का, इसमें रेड कलर का नहीं होता है, अदर कलर का होता है, लेकिन मेरे पास जो था वो मैंने भर दिया है कि आप इसमें पता रहे कि आपको इसमें देखिए क्लोज होती है एक दूसरे से, ठीक है, फ्लूड फिल्ड होता है इसमें और इस सैकलाइट यानी कि थैलेनुमा होता है स्ट्रक्चर इसके। अब आते हैं अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे जुड़ा हुआ है, किससे अटैच्ड है।
ये आप देख रहे हैं ये जो गोला हुआ बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये किस चीज का है? ये हमारा न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस अटैच है और ये मान लीजिए कि ये सेल है, मैंने बता दिया ठीक है। सेल के अंदर ही सेल ऑर्गेन्स पाए जाते हैं ना, सेल के अंदर ही हमारे क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। अब आपके ये इसका जो अदर साइड है यानी कि आउटर साइड, एंडोप्लाज्मिक का आउटर साइड किससे जुड़ा हुआ है? ये जो इसकी किसकी मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की अगर मेम्ब्रेन से जुड़ा है तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है। तो आउटर साइड इसका जुड़ा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब ये हमको दिखती है, ये सेल है, सेल के अंदर ही हमारी क्योंकि सेल ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। तो एक अदर साइड है जिसको हम क्या बोलते हैं? इनर साइड। इनर साइड ये आपकी क्या होती है सर? की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, या सेल मेम्ब्रेन। तो अदर साइड किससे जुड़ा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो इसका अटैचमेंट इन दोनों के बीच में है, यानी कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है। देखिए यहाँ पे लिखा है वन साइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अदर साइड विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि जो आपका ये आउटर न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर है या जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसे अटैच है इसकी दोनों एंड, एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और दूसरा एंड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, तो अब हम इसको समझ लिए हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कहाँ पे अटैचमेंट होते हैं, क्योंकि जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो बेटा सेल के अंदर ही पाए जाते हैं और कुछ आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ आपके न्यूक्लियस से अटैच होते हैं, कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, कुछ सेल मेम्ब्रेन से। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स। टाइप्स आपने काफ़ी बार सुना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप्स ऑफ ईआर, ईआर का फुल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, यहाँ पे लिख दिया है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे जरूर देखिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे आरईआर और एसईआर भी शॉर्ट फॉर्म में आता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि फुल फॉर्म दिया जाए। कभी कभी ये जानकारी लेने के लिए कि फुल फॉर्म आता है कि नहीं आता है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एसईआर करके दे दिया और उसका आपको फुल फॉर्म ढूंढना है या टिक लगाना है, तो हर एक चीज को देखते चलिए और नोट करते चलिए अपने माइंड में। आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ये जो हमारा शीट जैसा दिख रहा है जिसे हम सिस्टर्निक बोल रहे थे, उस पर कुछ आपको डॉटेड पॉइंट दिख रहे होंगे। रफ का मतलब क्या होता है? आपको रफ मतलब पता है कि खुरदरा जहाँ होता है उसे ही हम रफ बोलते हैं। स्मूथ का मतलब जो सरफेस एकदम क्या हो, चिकना हो, है ना, क्लीन हो, उसे ही हम स्मूथ बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि ये जो आपकी सरफेस दिख रही है इस पे क्या है, आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा होगा, तो इस पे क्या हो, ये जो चिपके होते डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट कोई ऐसा डिजाइन नहीं है, ये है राइबोसोम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब राइबोसोम का क्या फंक्शन है ये तो आपको पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब हमारे जो यानी कि आर ई आर है वो क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस। देखिए अभी हमने फंक्शन कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हमको फंक्शन ये पता चल गया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। पर कॉस क्यों? क्योंकि ये आपके यहाँ पर राइबोसोम इनकी सरफेस पे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। कुछ ढूंढ रहे होंगे कि स्मूथ कहाँ पे है। स्मूथ आपका ये जो ट्यूब्स देख रहे हैं इस पे आपको कहीं कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यानी कि जो ट्यूब्स है इसके ऊपर कहीं आपको राइबोसोम्स या खुरदरा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। है ये भी आपके इसी क्या स्ट्रक्चर का पार्ट है आपका, इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसको हम अलग नहीं कह सकते कि कोई अलग से स्ट्रक्चर है, ये इसी का भाग है। लेकिन यहाँ की इसकी सरफेस क्या है? एकदम स्मूथ है, इसलिए इसको बोला गया है एस ई आर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और राइबोसोम्स एब्सेंट है तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकती है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सरफेस, एज इट इज हमने स्ट्रक्चर में देखा। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये भी हमने बताया आपको, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? देयरफॉर अपीयर्स स्मूथ। ये आपका देयरफॉर क्या है? ये रफ, ठीक है,
ऐसे ही आपका स्मूथ में आ जाएगा, ठीक है। लिखा है राइबोसोम सबसेट एंड देयरफॉर अपीयर्स स्मूथ, ठीक है। ये आपका स्मूथ आपका सरफेस में अपीयर करता है और इसमें क्या करता है, रफ सरफेस अपीयर करता है। आई होप कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इतना पार्ट तो समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो हम पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन आपका इसमें देख लीजिए क्या है। देखिए पहला फंक्शन तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्यों? क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, ठीक है। RER सिंथेसाइज प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स इसीलिए सिंथेसाइज कर पाते हैं ना क्योंकि राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। SER मैन्युफैक्चर्स एट मॉलिक्यूल्स। अब आपके जो इसमें यहाँ पे फैट होगा, फैट मॉलिक्यूल्स, ओके मिस हो गया है। तो जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या मैन्युफैक्चर करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करता है। अब कुछ ना कुछ तो मैन्युफैक्चर करेगा ही, बनाएगा ही, ठीक है। तो आपके दोनों को पता चल गया कि ये क्या बनाते हैं, ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखिए जेनेसिस का मतलब तो आपको पता है कि जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या किसी चीज़ को बनाना। फॉर्मेशन का मतलब क्रिएटिव या जनरेट करना, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है कि इशोस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये मेम्ब्रेन को बनाता है, जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है उसका निर्माण करता है, किसका, सेल की। सेल की मेम्ब्रेन को क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है इसकी या आपके जनरेट करता है, ठीक है। प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये प्रोटीन और जो आपके फैट लिपिड्स हैं ये किस तरह वर्क करते हैं, जो कि आपके स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनाया गया है, वो यूज़ आते हैं कैसे, एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स और एंजाइम्स काम करते हैं वो प्रोटीन और लिपिड्स ही तो होते हैं। प्रोटीन लिपिड हमारी बॉडी में बनता है ना, तो वो कैसे काम करते हैं, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स की तरह। वो क्यों करते हैं, क्योंकि आपके जो रफ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ है, वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन एंड फैट या आप कह सकते हो लिपिड। ER फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या फॉर्म करता है, नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है। कैसे कि ER सर्व्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। आपने पढ़ा होगा जब सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था तो उसमें ये बताया था कि आपके न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस में भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और हमारी सेल के अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। लेकिन इनका जो आपका मटेरियल है, जो आपके आवश्यकता अनुसार जो नीडेड होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, वो क्या करते हैं, आपके आदान प्रदान होता रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है, कि अंदर जाने से सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर ले जाती है। सेकेंड थिंग कि जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था तो न्यूक्लियस में भी आपके साइटोप्लाज्म के जो मटेरियल हैं वो जाते हैं, क्यों, साइटोप्लाज्म ही इनकी नीड को कंप्लीट करता है जब मेटाबॉलिक उसमें रिएक्शंस होनी है या मेटाबॉलिक कोई भी एक्टिविटी होती है। अब मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उसके, ऐसा तो है नहीं कि साइटोप्लाज्म की जितनी भी चीज़ें वो न्यूक्लियस में चली जाएगी, उसके लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा ना। अब अब तक हमको ये पता था कि ये जाती हैं, लेकिन ये नहीं पता था आपको कि किस तरह से जाती है, यानी कि रास्ता नहीं पता था। तो रास्ता क्या है, इसका चैनल, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखिए लिखा है ना, सर्व चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन, किसके बीच में, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी कि इनके, इनके और इनके बीच में। तो इनके और इनके बीच में जो जा रहा है इन्हीं चैनल के थ्रू आपके जा रहा है, इनको कंट्रोल कर रहा है कि क्या जाना है क्या नहीं जाना है, यानी कितनी आवश्यकता है उनके थ्रू। साइटोप्लाज्मिक फ्रेम नेटवर्क यानी फ्रेमवर्क फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। अब जो आपका साइटोप्लाज्मिक है, इसमें साइटोप्लाज्म है, वो एक फ्रेम बना रहा है, फ्रेम का मतलब कि एक बेस बना रहा है, किसके लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। डिटॉक्सिफाई पॉइजंस एंड ड्रग्स। अब जो ड्रग्स भी इस्तेमाल करते हैं या फिर पॉइजंस, मान लीजिए कोई भी ऐसी जो हार्मफुल चीज़ें हैं आपकी बॉडी में हो चुकी है, तो इसको क्या करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, यानी कि बाहर निकालती है। तो ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का
फंक्शन। अब इसमें आपको जितने भी पॉइंट्स से देख लीजिए, और ये आप डायग्राम से जब भी कोई फंक्शंस या कुछ भी आप पढ़ना चाहोगे तो बहुत ही ईजी फॉर्म में आता है, आपको समझ में आ जाएगा और कभी आप उसको भूलोगे नहीं। कह सकते हो ना, किसी मशीन का आप फंक्शन बताते हो कि अरे ये तो ग्राइंड भी करती है, महीन भी करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती है। उसी तरह एक समझ लीजिए कि मशीन है, उसके हमें फंक्शन जानने हैं और दूसरे को बताने हैं। तो ये हमारा फंक्शन होगा, कैसे काम करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आप समझ लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करिए, टॉपिक पढ़िए और दूसरों से डिस्कस भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस